हेलो गाइस, मैं सिर्फ करण परमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो होने वाला है गाइस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए जो भी इंडिया से बाहर जाना चाहता है। तो एसओपी, जिससे देख के आप टाइटल देखकर पता ही चल गया होगा एसओपी के बारे में वीडियो होने वाली है। तो एसओपी एक ऐसी चीज होती है जो हर एक स्टूडेंट को उसकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे या फिर किसी वीजा में अप्लाई करे, वीजा के लिए अप्लाई करे, किसी वीजा के लिए, इवन टूरिस्ट वीजा के लिए भी आपको कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना पड़ता है कि आखिर आपको यहाँ पे क्यों आना है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एसओपी क्या होता है। तीन पार्ट में डिवाइड है ये वीडियो। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि एसओपी होता क्या है, सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि एसओपी हम लिखते कैसे हैं, और थर्ड पार्ट में मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको एसओपी लिखते वक्त अवॉइड करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो यार, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आखिर एसओपी होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसओपी जो होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एसओपी की जरूरत आपको अपने व्यूज, अपने फ्यूचर प्लान्स, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो वो यूनिवर्सिटी और वीजा में अप्लाई करोगे तो वो कंट्री आपसे ये पूछती है कि आप हमारी कंट्री में क्यों आना चाहते हो, आखिर आप रीजन क्या है उसके पीछे, ऐसी क्या जरूरत है आपकी जो हमारी कंट्री में आप आना चाहते हो, ये पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो। और उसके अलावा सारी चीजें पूछती है कि फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं। तो वो हमसे डायरेक्ट ऐसे कांटेक्ट कर नहीं सकते, तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म बना रखा है एसओपी। हर एक स्टूडेंट को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपनी वीजा फाइल के साथ, अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन फाइल के साथ अटैच करना पड़ेगा, जिससे उन्हें आपके व्यूज क्लियर हो सके कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आखिर आप उस कंट्री में आना क्यों चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, आपने पहले क्या किया। तो उन सब चीजों के लिए जो यूनिवर्सिटी और जो वीजा अथॉरिटी एम्बेसीज है वो एसओपी की डिमांड करती है। तो जो बेसिकली एसओपी है यार, वो एक तरीके से आप ये समझ लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गया, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया आपकी पूरी फाइल का। और एसओपी हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने व्यूज क्लियर होने चाहिए कि आप आगे किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड इट, आखिर क्यों जाना क्यों चाह रहे हो वहां पे। तो यही सारी चीजें हमें उसमें एसओपी में लिख के बतानी होती है। तो अब हम बात करते हैं एसओपी लिखते कैसे हैं, इसका क्या फॉर्मेट होता है और हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो यार, एसओपी का जो फॉर्मेट होता है ना, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लाइक कुछ कंट्रीज किसी और चीज की डिमांड करती है कि आपको ये पॉइंट हमें बताना ही बताना है, कुछ कंट्री किसी अलग चीज की डिमांड करती है। तो ये जो फॉर्मेट है वो सबसे ज्यादा क्लियर आपको आपका एजेंट बता सकता है, जिसके थ्रू आप अपनी फाइल लगाओगे। उससे आप पूछो, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भी आप जा रहे हो, उससे पूछो कि वहां के एसओपी का फॉर्मेट क्या है। बाकी मैं इस वीडियो में आपको एक बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा, जो चीजें आपको इंक्लूड करनी ही करनी होती है और इस तरीके से लिखना होता है। तो सबसे पहले तो आप किसी भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और गूगल डॉक्यूमेंट्स, किसी में भी आप अपना लैपटॉप ओपन कीजिए और उसमें आप एसओपी अपना लिख सकते हो। स्टार्टिंग आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले तो आपको एक कोट, अगर आप जो भी करने जा रहे हो, कुछ भी करने, मतलब जैसे कोई मास्टर्स करने जा रहा है टेक्निकल में या किसी भी लाइन में, तो अगर आपको कोई कोट पसंद है बहुत टाइम से या कुछ आता है, तो आप उसमें एक कोट लिखिए सबसे पहले कि इस बंदे ने, लियोनार्डो दा विंची ने या किसी ने ये चीज कही थी कभी। तो कोट से अगर एसओपी की स्टार्टिंग होती है ना, तो वो काफी जेन्युइन लगता है, अच्छा लगता है कि बंदे ने रिसर्च कर रखी है, इसे थोड़ा नॉलेज है। तो उसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक एसओपी में स्टार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब आप सबको पता होगा ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी स्टडीज के बारे में और अपने बारे में लिखना चाहिए, मतलब आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, अपनी फैमिली के बारे में कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और मतलब कौन क्या कर रहा है। जैसे मैंने अपने एसओपी में लगा था कि मेरी फैमिली में चार मेंबर है, मेरा बड़ा भाई एक एमएनसी में जॉब करता है, मम्मी हाउसवाइफ है, पापा बिजनेसमैन है। तो ये सारी चीजें आप उसमें क्लियर करके लिखो कि ये मेरी फैमिली मेंबर्स हैं और ये इनका प्रोफेशन है। जिसका प्रोफेशन नहीं है, कोई छोटा भाई है, वो स्टूडेंट है, तो वो भी मेंशन करो, लेकिन हाँ फैमिली मेंबर्स को सबको मेंशन करो कि ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। उसके बाद आपको लिखना है अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री, मतलब इंट्रोडक्शन में ऐसे एक सबसे पहले हेडिंग डाली इंट्रोडक्शन, उसमें अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में और जो आपने रिसेंट स्टडी करी उसके बारे में लिख दिया। फिर नीचे डाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होगा लेकिन हेडिंग अलग होगी। पैराग्राफ में आपको लिखना है, कुछ भी गुजर गुजरा नहीं करनी है, मतलब इस तरीके से नहीं करना कि एक पैसेज बना के लिखते चले गए, आपको पैराग्राफ बाई पैराग्राफ चलना है ताकि एसओपी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर लगे, अगले बंदे को पता चल सके कि हाँ यहाँ पे ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू है, यानी कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड में आपको इंक्लूड करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी, आपने अभी तक क्या क्या किया है, पास्ट में क्या किया आपने, प्रेजेंट आप क्या करने जा रहे हो, उस चीज को आपको मेंशन करना है। जैसे 10-12 में आपका क्या स्कोर रहा, फिर आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन में क्या स्कोर रहा, अगर बैचलर्स करने जा रहे हो तो 10-12 का स्कोर ऑब्वियसली। और इसके अलावा बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो जो आपकी रही है वो सारी चीजें आप इंक्लूड करो। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा भी किया तो वो सारी चीजें इंक्लूड कर दो, जैसे आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया था, वहां पे आपको उसमें इतने अच्छे मार्क्स मिले, या किसी कोई टेस्ट दिया था अलग से आपकी पढ़ाई से हटके, उसमें आपके अच्छा स्कोर आया था, वो इंक्लूड कर दो। तो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो जो आपने आज तक किया है ना, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दो। उसके बाद आपको ऐड करना है उसमें, इंट्रोडक्शन का ही बता रहा हूं मैं,
अलग से हेडिंग डाल के वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, अगर जिन बच्चों का नहीं है तो उन्हें भी कोई इशू नहीं है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसमें क्लियरली मेंशन कीजिए कि आपने किस किस टाइम किस डेट से लेके किस डेट तक कहाँ पे काम किया था। और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे ये सोचे कि अगर मैंने कुछ काम नहीं भी किया और मैं उसमें लिख देता हूँ तो किसी को क्या पता चलेगा, तो ऐसा होता है मेरे भाई कि अगर आपने उसमें लिख दिया कि मैंने इस होटल में या इसमें काम किया है तो वहां से डिमांड आ जाएगी आपके एक्सपीरियंस लेटर की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, कि इस बंदे ने अगर यहाँ पे काम किया तो हमें इस फर्म से, जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने किसी रेस्टोरेंट से काम किया तो मेरे को ये एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ेगा उस रेस्टोरेंट का कि हाँ इस बंदे ने हमारे यहाँ काम किया था। तो जो भी एसओपी में आप लिख रहे हो ना वो सब कुछ सच होना चाहिए। अगर आप झूठ भी लिख रहे हो तो उस झूठ को प्रूफ करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे अगर मैंने अगर कहीं लिख दिया कि मैंने किसी होटल में काम किया तो मेरे पास उस होटल का डॉक्यूमेंट होना चाहिए साइंड स्टैम्प्ड कि हाँ इस बंदे ने हमारे यहाँ काम किया। तो सारी चीजें इस चीज को दिमाग में रखना कि भाई कुछ गलत नहीं लिखना, कुछ झूठ नहीं लिख देना उसमें, और अगर झूठ लिख भी दे रहे हो तो अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है आपका इंग्लिश का टेस्ट लिखना है एसओपी में। अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आईएलटीएस का एग्जाम या पीटी का एग्जाम दे लिया है तो उसमें टेस्ट का स्कोर लिख दो कि भाई हमारे आईएलटीएस में इतना स्कोर बना था, और प्रॉपर क्लेरिफाई करके कि मेरा लिसनिंग में इतना बना, रीडिंग में इतना बना, राइटिंग में इतना बना, स्पीकिंग में इतना बना, ओवरऑल इतना बना, मेरा CEFR level इतना है। अगर आप एग्जाम दे दिया होगा तो आपको पता होगा, और नहीं दिया होगा तो आगे जाके पता चलेगा। इवन पीटी में भी सबके अलग अलग इंडिविजुअल स्कोर्स आते हैं और ओवरऑल आता है, वो सारी चीजें आपको क्लेरिफाई करके लिखनी है। उसके बाद अगर यार आज तक आपको कहीं भी, जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, ट्वेल्थ करी है, किसी भी चीज में एक्सेलरेटेड अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो उस चीज को जरूर मेंशन करो कि भाई मुझे इस टाइम पे इस साल में इस डेट के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। कोई सर्टिफिकेट मिला किसी चीज का, किसी चीज में पार्टिसिपेट करने का सर्टिफिकेट, इवन वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो लेकिन कोई ऐसी चीज है जो जानी मानी है, मतलब अगर उसे कोई गूगल पे सर्च करेगा तो उसका नाम आ जाएगा कि हाँ ये टेस्ट होता है, जैसे एंथ टेस्ट होता है, आकाश इंस्टीट्यूट का टेस्ट होता है, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है और उसका भी सर्टिफिकेट है, तो जो अटैचिंग सर्टिफिकेट्स हैं आप वो सर्टिफिकेट लगा दो और उसमें मेंशन कर दो कि मुझे इस डेट को इस चीज का सर्टिफिकेट मिला था, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उससे क्या होता है यार, आपका एक विजन अच्छा होता है और दूसरे यूनिवर्सिटी को लगता है कि बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ओके है, मतलब वो सारी चीजों में पार्टिसिपेट करता है जिसमें मौका मिलता है। और तुम्हारे पास नहीं है तो कोई इशू नहीं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने तो नहीं लगाया भाई, मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे घरवालों का नाम रोशन हो। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है एसओपी में, हेडिंग जो ऐड करने की होती है वो होती है व्हाई दिस प्रोग्राम, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी को, एम्बेसी को ये क्लियर करना होता है कि आखिर आप इस पर्टिकुलर इसी एग्जाम इस प्रोग्राम में क्यों जाना चाहते हो। जैसे अगर मैं बताऊं तो मैं जा रहा हूं मास्टर ऑफ बिजनेस में, तो मुझे उन्हें ये क्लेरिफाई करना था कि व्हाई द हेल यू वांट टू कम इन दिस कोर्स ओनली, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स होते हैं, मास्टर्स के लिए बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो आपको इसी कोर्स में क्यों जाना है, तो वहां पे आपको ये क्लेरिफाई करना है। अब क्लेरिफाई आप कैसे करोगे मैं बता देता हूं आपको। अगर वो कोर्स आपकी पास्ट स्टडीज से मैच कर रहा है, जैसे मैंने करी है बीए और मैं एमए करने जा रहा हूं, तो मैं उसमें साफ साफ लिख सकता हूं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीए करी थी और मेरे को वो सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट पसंद आए, इस वजह से मैं आगे भी इसी में कंटिन्यू करना चाहता हूं और मैं एमए करना चाहता हूं। तो ये तो हो गया कोर्स रेलेवेंसी। अगर आपका कोर्स रेलेवेंट है, आपने जो पहले किया है उससे आपकी चीजें मिल रही है, तो आप ये चीजें आराम से लिख सकते हो और यही सब चीजें बता दो कि मुझे यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे अच्छा लगा ये सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी तो मुझे वो अच्छा लगा, मुझे आगे भी इसी चीज में कंटिन्यू करना है, तो इस वजह से आप बता सकते हो। मतलब एक तरीके से भाई आपको भी पता होगा कि आपने वो पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज किया, तो वो रियलिटी लिख दो उसमें। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी कोर्स रेलेवेंसी नहीं है। जैसे मैं जाऊं, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी कोर्स रेलेवेंसी नहीं है, मैं बीए करी है मैंने यहाँ से, वैसे तो सच सच बताऊं तो मेरी कहीं भी रेलेवेंसी नहीं रही। मैंने ट्वेल्थ करी थी पीसीएम से, उसके बाद किया मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कि बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद मैं करने जा रहा हूँ मास्टर ऑफ बिजनेस, तो तीनों चीजें आपस में डिफरेंट रही, बट मैंने अपने एसओपी में, मतलब वीजा अप्लाई नहीं हुआ, एसओपी में मैंने अच्छे से लिख रखा है कि मैं आखिर यही पर्टिकुलर कोर्स क्यों करना चाहता हूँ इसी मेजर में, तो उसमें मैंने ये बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कहीं काम किया था और वहां से मेरे को ये जगह। तो ऐसे आपको अपना पर्टिकुलर अपना रीजन देना है भाई कि आखिर आप इस कोर्स में क्यों जाना चाहते हो। तो उसके बाद आपको बताना है कि जो भी आप ये कोर्स करने आ रहे हो उसमें, मतलब हेडिंग डालोगे व्हाई नॉट इंडिया, कि आप जो भी ये कोर्स करने आ रहे हो आप इंडिया से क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्या है जो आप यहाँ पे आ रहे हो, और क्या बोलते हैं उसे, उसमें ये भी आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि इंडिया में अगर ये कोर्स है तो कहाँ पे है और आप वहां से क्यों नहीं कर रहे हो, ये दो चीजें आपको क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप कुछ गिने चुने पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो कि इंडिया में मैंने देखा है इस यूनिवर्सिटी में ये प्रॉपर कोर्स था, बट इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है विच इज नॉट गुड और कंट्री के मुकाबले, और दूसरा सीन ये भी आप बोल सकते हो कि इंडिया में जो मेन पर्सपेक्टिव है एजुकेशन सिस्टम का वो थ्योरेटिकल है और मुझे प्रैक्टिकल पढ़ाई ज्यादा पसंद है। अपने इंडिया को छोड़ के भाई हर जगह पे प्रैक्टिकल ही पढ़ाई होती है ज्यादातर, हमारे इंडिया में थ्योरेटिकल बेस्ड सिस्टम है, तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हो कि हमारे इंडिया में थ्योरेटिकल सिस्टम है और प्रैक्टिकल चीज, मुझे प्रैक्टिकल चीजें करना पसंद है, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि मैं इस कंट्री में, मतलब मैं इस
कंट्री में स्कोर्स में जाऊं, कंट्री अभी मेंशन मत करना, मतलब ये कर देना, मैं इंडिया से इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि अप्रोच नहीं है यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। और बाकी तुम्हें और कोई रीजन लगता हो कि मैं इस वजह से इंडिया से नहीं कर रहा या कुछ भी एक्सरसाइज है तो वो सारी चीजें मेंशन कर दो, सच सच आपको लिखना है क्योंकि आपके दिमाग में ही आया होगा आइडिया कि आप क्यों इंडिया से नहीं करना चाहते, तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर दो। बाद यार जो नेक्स्ट थिंग होती है वो होती है व्हाई स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, लाइक अगर आप कनाडा जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो आपको वहां पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप आखिर इसी पर्टिकुलर कंट्री में क्यों जाना चाहते हो। पूरी दुनिया में 100-150-200 कंट्रियां हैं, आप उन्हें छोड़ के सिर्फ हमारी कंट्री में क्यों आना चाहते हो। तो वहां पे यार आपको जो भी कंट्री की क्वालिटी है, जैसे एजुकेशन की क्वालिटी है, कल्चर अच्छा है, सारी चीजें वो मेंशन करनी है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का कल्चर बहुत पसंद है, मुझे कनाडा का कल्चर बहुत पसंद है, और जो भी चीज आप मेंशन कर सकते हो वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर दो कि मुझे ये चीजें पसंद है, इस वजह से मैं इस कंट्री में आना चाहता हूँ। रैंकिंग बता दो कि ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन में या कनाडा की एजुकेशन में ये रैंकिंग है, और इन सारी चीजों से ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग है और कल्चर अच्छा है, सारी चीजें, मतलब जो जो चीजें आपको पॉसिबल लगती है वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर दो, उन्हें बता दो कि इस वजह से मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूँ। उसके बाद यार आपको उन्हें बताना है व्हाई नॉट अदर कंट्रीज, जैसे मैंने अभी पीछे बताया बिल्कुल उसके जैसा सिमिलर ही पॉइंट है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कनाडा ही क्यों जाना, तो वैसे ही आपको ये बताना है कि और कंट्रीज में आप क्यों नहीं जा रहे। जैसे आपने एक मेंशन कर दिया कि मैं इंडिया से इस वजह से नहीं कर रहा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा रहे हो तो पर्टिकुलरली इस वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा रहा हूं। अब आपको ये मेंशन करना है कि आप किसी और अदर कंट्रीज में क्यों नहीं जा रहे, तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको यूके, यूएसए या दो कंट्री अदर पकड़ लो जिसमें आपको नहीं जाना, और एक कंट्री वो पकड़ लो जिसमें आपको जाना है, और तीनों को कंपेयर कर दो। जैसे अगर मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करने बैठ जाऊं तो आप उसमें लिख सकते हो, पहले मैंने दो कंट्री शॉर्टलिस्ट करी थी, मुझे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना था, बट कनाडा का जो वेदर है वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं था, और कनाडा में ये बुराई है, या एक दो बुराई लिख दो, या ऑस्ट्रेलिया में ये बुराई है, इस वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा, कनाडा जाना चाहता हूँ। दोनों कंट्रीज को कंपेयर करके और अपने पर्सपेक्टिव से जो तुम्हें लगता है कि हाँ इस वजह से ऑस्ट्रेलिया मैंने चूज किया था वो चीज़ है, और कंपेयर करके उसमें लिख दोगे तो उसमें एक तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा व्हाई नॉट अदर कंट्री। उसके बाद यार आपको जो मेंशन करना है वो ये मेंशन करना है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको भी लग रहा होगा कितनी सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, तो ये सब बताना पड़ता है भाई, व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, आखिर आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो। ऑस्ट्रेलिया जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे, तो हर जगह पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो आपने एक पर्टिकुलर यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी, तो उसका भी आपको रीजन बताना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना अगर आप पहले से उसको यूनिवर्सिटी को जानते हैं। जैसे मैंने जो यूनिवर्सिटी चूज करी उससे मैं पहले से फेमिलियर था, अपने मैंने उस यूनिवर्सिटी जिसके नाम पे उनके बारे में पढ़ा था अपनी स्टडीज में, बीए की में, सच से बताऊं नहीं पढ़ा था मैंने, बट जो सीन हुआ जब मैंने उस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ भाई इन इन पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे एक यूनिवर्सिटी है, तो मैंने उस चीज को इंक्लूड कर दिया कि ऐसे ऐसे मैंने इनके बारे में पहले ही पढ़ा था, इस वजह से मुझे यूनिवर्सिटी पहले से फेमिलियर था। फिर उसके बाद अपना आप कोई रीजन लिख दो आपने वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी है, उसके बाद आपको उसमें चीजें मेंशन करती जानी कि इस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग इतनी है, इस यूनिवर्सिटी की ये क्वालिटी है, यहाँ पे लाइब्रेरीज अच्छी हैं, स्टूडेंट काउंसिल अच्छा है, स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज अच्छी हैं और यूनिवर्सिटीज के मुकाबले, मतलब जैसे आप कंट्रीज की क्वालिटी लिख रहे थे आपको उस यूनिवर्सिटी की अच्छी तरीके से क्वालिटी लिखनी है। ऑब्वियसली रिसर्च करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एसओपी आप खुद ही लिखोगे तो रिसर्च करोगे यूनिवर्सिटी के बारे में कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा हूँ। अगर कोई सच में पढ़ने वाला बच्चा होगा तो ऑब्वियसली 3-4 यूनिवर्सिटी देखेगा कि मेरे को किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। और इसमें एक चीज मेंशन ये भी कर सकते हो कि अगर उसकी फीस कम है और यूनिवर्सिटी के मुकाबले, तो ये चीज भी मेंशन कर सकते हो, भाई मुझे इसकी फीस कम लगी इस वजह से मैं सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, और एक दो यूनिवर्सिटी और उसमें लिख दो कि ये यूनिवर्सिटी मैंने चूज करी थी और इनका बजट थोड़ा हाई था इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। मतलब कुल मिला के यार एसओपी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लिखना वही है जो ऑलरेडी आपके दिमाग में, बस आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसे लिखना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं जाने की सोचता है ना तो ये सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं। अगर कोई सच में रिसर्च करके जाता है तो सबसे पहला कि मुझे किसी कंट्री पर्टिकुलर कंट्री में ही जाना है तो उसका कोई ना कोई रीजन तो निकलता ही होगा कि भाई इस वजह से ये बंदा पर्टिकुलर इस कंट्री में जा रहा है। और उसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर ये कोर्स क्यों करना है वो भी आपको खुद पता होगा कि भाई मुझे ये कोर्स क्यों करना है, तो वो सारी चीजें आपको एसओपी में अपने लिखनी होती है, ऐसा कोई टिपिकल काम नहीं। इसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूरे एसओपी की, जो है फ्यूचर प्लान्स, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में आए, आपने ये कोर्स कर लिया, इसके बाद आप क्या करोगे। तो मोस्टली तो देखो भाई हम जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सबको पता होता है कि हम उसके बाद पढ़ने के बाद वहीं पर जॉब करेंगे, और बहुत से बच्चे वहाँ सेटल होने का देखते हैं, बहुत से बच्चे नहीं भी देखते, लेकिन जॉब का तो ऑब्वियसली देखते ही देखते हैं कि जो भी 2-3 साल का वो मिलेगा वर्क वीजा हम उसमें जॉब करेंगे। बट आपको ये चीज़ भूल के भी उस एसओपी में मेंशन नहीं करनी है। अगर आपका फ्यूचर प्लान ये भी है ना कि मेरे को तो जाके बस पीआर लेना है, तो उसमें कहीं नाम भी मत लिख देना कि मुझे पीआर लेना है, या ये भी मत लिख देना कि मुझे वहीं जॉब करनी है, कुछ भी करना है, क्योंकि ये चीज अगर आप मेंशन करोगे ना तो वहां ये दिख जाएगा कि आपको तो बस इस कंट्री में कैसे भी करके आना है। तो भाई भूल के भी ये चीज मेंशन मत कर देना
कि मुझे वहीं जॉब करनी है, कुछ भी करना है, फ्यूचर प्लान्स में हमेशा आपको ये बताना है कि मैं लौट के इंडिया आऊंगा या पाकिस्तान आऊंगा, बांग्लादेश आऊंगा, जहां भी आऊंगा, हमेशा ये चीज मेंशन करो कि मुझे वहां नहीं रहना। और इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स में भाई ये लिखो कि मेरे को अपने ये कोर्स करने, पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद अपनी होम कंट्री में लौटने पे ज्यादा फायदे। कभी ये मत दिखाओ कि अगर मैंने ये कोर्स कर लिया तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा तो मेरे को ये फायदा होगा, ऐसी ऐसी जॉब मिल सकती है, ये सब नहीं लिखना। उसमें ये लिखना है कि अगर मैंने कोई भी ये पर्टिकुलर कोर्स किया तो मैं इंडिया अगर वापस आऊंगा तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएंगी। आपको कहीं भी हल्का सा भी कहीं मेंशन ये करना नहीं हो, ना उन्हें ये दिखा देना है कि आप ये कोर्स करने के बाद यही रहने वाले हो। आज के टाइम में जितने ही वीजा रिफ्यूजल आ रहे हैं, चाहे वो कनाडा से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, सब में ये चीज लिख के आ रही है। माइग्रेशन एक्ट होता है, माइग्रेशन एक्ट लग के वीजा रिफ्यूज हो रहा है। माइग्रेशन एक्ट होता है जब आप एम्बेसी को ये क्लियर नहीं कर पाते कि आप ये पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद अपनी होम कंट्री वापस जाओगे। तो भाई इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फ्यूचर प्लान्स आपको क्लियर होने चाहिए। मोस्टली हम जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ से, हम सबको यही होता है कि वहाँ जाके काम करेंगे और उसके बाद वर्क वीजा पे अच्छी सी जॉब ढूंढ के सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको वो मेंशन नहीं करना। इवन द कंट्री वॉन्ट्स द सेम, कंट्री भी यही चाहती है कि स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आए, यहाँ रहे, क्योंकि भाई कैनेडा ऑस्ट्रेलिया कितनी कितनी पॉपुलेशन है इनकी, कुछ ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो वो भी ये चाहते हैं। लेकिन आप उसे एसओपी में मेंशन नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर आपने कर दिया तो 99% चांस है कि आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, अनटिल और अनलेस एसओपी पढ़ाई नहीं किया, ऑटो ग्रांट हो गया। तो अगर ऑटो ग्रांट नहीं होता तो 99% चांस है आपका वीजा रिफ्यूज होगा। और अगर आपने ऐसी कोई चीज लिख दी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया रहूंगा या कुछ भी करूंगा, तो फ्यूचर प्लान्स यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। एज वेल एज आप उसमें ये भी मेंशन करोगे जब आप ये पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद इंडिया लौट के आओगे तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो, सारी चीजें मेंशन करो। और मैं बताता हूँ इसे और अच्छे से आप ऐसे लिख सकते हो, उसमें ये लिख दो कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ और मैं इंडिया इस वजह से वापस आना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे जो भी मैं मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो इन दी एंड मुझे जो भी करना है उन्हीं के लिए करना है, तो उनसे दूर रह के क्या फायदा कुछ भी करने का। तो अब ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो, लेकिन थॉट्स क्लियर होने चाहिए यार। और वर्क अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या होगी वो कोर्स करने के बाद इंडिया में, ये उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च तो भाई एसओपी लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट अगेन मैं ये चीज बोलूंगा कि कैसे भी कहीं भी आपको ये मेंशन नहीं करना कि आप वो पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद वहीं रहने वाले। और कहीं ये भी मेंशन मत कर देना कि भाई मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं उस बीच में पढ़ाई करूंगा तब मैं जॉब भी करूंगा, कुछ भी मेंशन भाई चीजें सारी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने एसओपी में लिख दिया कि आप यहाँ से लौट के जाओगे तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप मेंशन नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं लिख सकते उसमें कि जब मैं यहाँ से पढ़ाई करने जाऊंगा तो मैं वहां पे पार्ट टाइम जॉब करूंगा। तो ये सब चीजें भूल के भी मेंशन मत करना, जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, पार्ट टाइम जॉब और जॉब आफ्टर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया कनाडा कुछ भी, ये सब चीजें मेंशन मत करना। करने को आपको सब मिलेगा, सब कुछ होगा, बट एसओपी जो है ना वो अभी आपके वीजा की फाइल में लग रहा है, अभी लग रहा है, आप पहुंचे नहीं हो वहां पे अभी, तो वीजा की फाइल में ये सारी चीजें मेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें मेंशन है तो आपके रिजेक्शन के चांसेस 100% हो जाएंगे भाई, कि तुम्हारा तो वीजा रिजेक्ट ही रिजेक्ट होगा। और नहीं लिखा है तो वेल एंड गुड, और एसओपी अपना खुद ही लिखना और सारी चीजें उसमें अच्छे से मेंशन कर देना, ताकि एम्बेसी को लगे कि ये बच्चा तो बहुत सही है, ये अपनी कंट्री वापस जाएगा, ये अपनी कंट्री की ग्रोथ कराएगा। उसके बाद यार फ्यूचर प्लान्स में आपको मैंने जैसे बताया अपनी वर्क अपॉर्चुनिटी भी इंक्लूड करनी है कि यहाँ पे आके आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है, उसमें आपको एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिखनी है कि मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ एक्सपेक्टेडली अगर मैं ये पर्टिकुलर कोर्स करके इंडिया वापस आया तो। और इसके अलावा जॉब की क्या क्या क्वालिटीज होंगी, किस किस सेक्टर में जॉब हो सकती है, जैसे अगर आप कोई होटल की जॉब है तो मेरे को इस होटल में इस पोस्ट पे जॉब मिल सकती है जिसकी मिनिमम सैलरी इतनी है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है उसमें, क्योंकि फ्यूचर प्लान्स पूरे आपके एसओपी का मेन है। तो फ्यूचर प्लान्स होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ये दो चीजें मेन होती हैं। आपने जितना अच्छा ये लग दिया उतना वीजा के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर एसओपी आपका पढ़ा जाता है तो। उसके बाद यार जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो आ जाती है फाइनेंशियल डिटेल्स। आपको एसओपी में ये लिखना पड़ेगा कि आप जो जिस कंट्री में जा रहे हो वहां के लिए जितना भी पैसा लग रहा है वो आप कहां से ला रहे हो, आखिर है सोर्स क्या है। तो उसमें सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी कि मेरे पापा इतने पैसे कमाते हैं, या जहां से भी आपने पैसा दिखाया एजुकेशन लोन लिया तो एजुकेशन लोन मेंशन कर दो, और उसमें एजुकेशन लोन का टोटल अमाउंट लिख दो कि मैंने इतने अमाउंट का एजुकेशन लोन लिया अपनी स्टडीज के लिए और ये इतने साल का है, ये सारी चीजें उसमें मतलब ज्यादा नहीं बट हाँ ये मेंशन कर दो भाई एजुकेशन लोन लिया। एजुकेशन लोन नहीं लिया कैश पे जा रहे हो तो उसमें स्पॉन्सर डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी कि ये मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर फैमिली में से कर रहे हैं तो फादर मदर या ब्रदर कुछ भी लिख दो, और फैमिली में से नहीं कर रहे कोई चाचा ताऊ वगैरह कर रहे हैं तो उनको मेंशन कर दो। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप किसी को भी अपना स्पॉन्सर बनाओगे तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, तो सोच समझ के उसमें लिखना, सोच समझ के स्पॉन्सर बनाना, किसी ऐसे को बनाना जो भाई साइन वाइन कर दे उस पर, क्योंकि साइन वगैरह वो सब चीजें होना जरूरी है। इसके अलावा भाई अगर आप एजुकेशन लोन पे भी जा रहे हो फिर भी ये चीज एक और मैं बताता हूँ आपको, अगर आप एजुकेशन लोन पे भी जाते हो ना किसी कंट्री में तो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बता रहा हूँ, आपकी फैमिली में मिनिमम पर एनम इनकम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आपके पापा मम्मी भाई बहन जो भी हैं वो ओवरऑल मिलकर 10 लाख से तो एटलीस्ट ऊपर कमा रहे हो,
तो ये चीजें भी आपको मेंशन करनी है क्या क्या करते हैं, और आईटीआर वगैरह तो वीजा की फाइल, वीजा फाइल होगा तो सबका अटैच होता है। और आपने एजुकेशन लोन लिया है उसके बाद भी अगर पापा की इनकम 6-7 लाख 8 लाख रुपए साल की है, भैया की इनकम है, तो वो चीज उसमें मेंशन कर दो। बाकी मेरे जो स्पॉन्सर है वो मेरे भैया मम्मी पापा है, इनकी इतनी इतनी इनकम है, ये स्पॉन्सर्स है एक तरीके से मेरे, क्योंकि उसके बाद भी आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी एजुकेशन लोन के बाद भी। ऑल दो आपका सारा इंतजाम होता है एजुकेशन लोन में, फिर भी आप स्पॉन्सर लगाओगे तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग साबित हो जाओगे, तो उससे आपके वीजा आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओवर राइटिंग करनी भी नहीं है कि मतलब जिस चीज की जरूरत है वो लिखो और सच लिखो, ज्यादा लिखते भी मत चले जाओ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता भाई, अथॉरिटीज के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो एक एक पॉइंट आपका पढ़ेंगे, वो कुछ मेन मेन चीजें पढ़ेंगे, ओवरव्यू निकालेंगे, उस हिसाब से वो अंदाजा लगा लेंगे कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। अलावा यार मैं एक चीज बोलना भूल गया, जब आप लिखोगे बाय दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो अगर आपको उस यूनिवर्सिटी से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वहां से मुझे मिली थी 20% की स्कॉलरशिप, समझ रहे हो, ओवरऑल फीस पे 20% स्कॉलरशिप, यानी कि 8-9 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मुझे मिली। तो मैंने उस चीज को बोल्ड में, हेडलाइन में, मतलब बोल्ड में और नीचे अंडरलाइन करके मेंशन किया कि मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से इतनी इतनी स्कॉलरशिप मिल रही थी, इस वजह से मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो उस चीज को मेंशन करो, बोल्ड लेटर्स में मेंशन करो। इससे क्या होगा ना, एम्बेसी भी देखेगी कि ये बंदा अच्छा है, इसका पुराना स्कोर भी अच्छा है, जो ये यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेके आ रहा है, यूनिवर्सिटी खुद से स्कॉलरशिप दे रही है, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो ये चीजें अगर स्कॉलरशिप है, ये छोटी मोटी चीजें आप मेंशन करोगे तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो स्कॉलरशिप अगर आपके पास है तो जरूर इंक्लूड करो। उसके अलावा यार आपको अकोमोडेशन मेंशन करना होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके कहाँ रहोगे, तो उसमें लिख देना कि मैं जितनी भी मैंने रिसर्च करी है, मैं फ्लैट मेट्स पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, इन सब पे अकोमोडेशन ढूंढ चुका हूँ और मेरे पास मेरी बात हो रखी है, जैसे ही मेरा वीजा आ जाएगा तो मैं अकोमोडेशन बुक भी कर दूंगा। इसके बाद यार आपको लिखनी है वीजा कंडीशंस, जो जो आपको बताया, वरना आपका एजेंट भी आपको बताएगा। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा रहे हो तो उसमें वीजा कंडीशंस में ये होता है कि आपको 70% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, ये आपकी वीजा की कंडीशन। अगर आप इतनी 80% अटेंडेंस भी मेंटेन नहीं करोगे तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। आई डोंट नो डिपोर्ट करते हैं या नहीं करते, बट ये कंडीशंस है वीजा की कि बच्चा यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, जॉब करने नहीं आ रहा, तो पढ़ाई कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई कर रहा है तो अटेंडेंस ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा उसमें वर्क टाइम भी लिखा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहले 40 आवर्स पर फोर्टनाइट था, यानी कि 20 आवर्स पर वीक था पहले, कि आप इतना ही काम कर सकते हो पर वीक में। अब तो वो लिमिटेशन हटा दिया, कनाडा में अभी भी है, कनाडा में शायद 14 घंटे या 20 घंटे, आई डोंट नो। तो ये सीन होता है, अगर ये सारी कंडीशंस आपको पता है, वो सारी चीज़ें उसमें वीजा कंडीशंस में मेंशन करनी होती हैं। इसके अलावा भाई उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी फीस टाइम पे भरनी है मेरे को, और अगर मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जहाँ पे भी आ जाता हूँ तो मुझे 7 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये सारी कंडीशंस जो आपको वीजा कंडीशन आपको पता है, नहीं पता तो एजेंट से पूछ लो, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होती है। तो यार इसके बाद आपको जितने ही पॉइंट्स है वो सारे हो गए क्लियर। इसके बाद आपको नीचे लिखना होता है थैंक यू, रिगार्ड्स, योर नेम करण वर्मा, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दो। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, ये सारे वीजा में इंक्लूड होने चाहिए और ये बेसिक फॉर्मेट है हर एक कंट्री के लिए, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से मेंशन कर देते हो तो आपके वीजा आने के चांसेस बहुत सही है। और एक सीन मैं ये भी बताता हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका SOP होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, वो सारी चीजें फेड ऑफ कर देता है। जैसे अगर आप एजुकेशन लोन पे भी जा रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है एजुकेशन लोन पे जाने वाले बच्चों का ये एक इंपैक्ट पड़ता है कि भाई ये बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लोन पे जा रहे हैं। बहुत से बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं फिर भी लोन लेते हैं। तो अगर आपका SOP तगड़ा है, अगर आपका SOP, आपको अपने विजन क्लियर है कि भाई मुझे करना क्या है, मैंने क्या किया है, अब क्या करना है, आगे क्या करूंगा, तो जितना अच्छा SOP उतने आपके वीजा के ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि और कोई पॉइंट आपको इंक्लूड करना चाहिए, बाकी आप अपने एक बार अपने जो कंसल्टेंट है, एजेंसी है, उससे भी कंफर्म करो, वो जो फॉर्मेट देते हैं उस हिसाब से भी चलो। और कमेंट करके जरूर बताना अगर ये सारी चीज़ें आपके एजेंट ने जो फॉर्मेट दिया वो सारी चीज़ें उसमें है जो मैंने बोली कि नहीं है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और चीज़ आपको इंक्लूड करनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल राइटिंग SOP, अपना SOP लिखने से पहले और लिखते वक्त। तो यार सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है SOP लिखते वक्त कि SOP आपको खुद लिखना है। अगर कोई काउंसलर है, अगर आपका कोई एजेंट है जो बोल रहा है कि हम आपके SOP लिख देंगे, तो उस पर भरोसा मत करो यार। उनका क्या सीन होता है पता है, वो एक ही फॉर्मेट होता है उनके पास, और वो सेम फॉर्मेट अलग अलग बच्चों के में थोड़े थोड़े वर्ड्स चेंज करके चेप देते हैं। तो SOP यार आपका है, सारी चीज़ें आपकी है, तो आपको SOP लिखने में क्या दिक्कत है? विजन आपका क्लियर है कि आपको क्या करना है। जो एजेंट वगैरह SOP लिखते हैं ना, वो तो उन बच्चों के लिए लिखते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि हम करने क्या जा रहे हैं, जिनका बस ये मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है कि हम कैसे भी करके इस कंट्री में घुस जाएं। अपना वो मोटिव नहीं है यार, अपन को आगे कुछ लाइफ में करना है, तो हमारा विजन क्लियर है। तो अपना SOP जो है ना खुद ही लिखो। कोई एजेंट बोलता भी हो तो उससे बोलो नहीं आप मेरे को फॉर्मेट दो, मैं खुद लिख दूंगा, पर SOP अपना खुद लिखो। और उसके अलावा मैं बताता हूँ खुद लिखने का एक सीन ये भी है कि अगर आप SOP अपना किसी और से लिखवाते हो ना, तो वो पकड़ा भी जा सकता है। वो ऐसे पकड़ा जा सकता है कि आपने दिया IELTS का एग्जाम, IELTS में आपका बैंड बना 6 का, लेकिन जो आपने SOP अपने एजेंट से लिखवाया है, एजेंट तो अच्छी इंग्लिश में लिखेगा उसे, क्योंकि उसके पास तो राइटर्स बैठे हुए हैं जो SOP लिखते हैं, तो वो प्रॉपर अच्छी इंग्लिश में लिखेंगे। तो उसमें क्या सीन होता है यार कि इंग्लिश जो आप SOP में लिख रहे हो
वो है 8 और 9 बैंड वाली, और आपके बैंड बन रहे हैं 6, तो वहां पकड़े जाओगे कि आपने एसओपी किसी और से लिखवाया। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि एसओपी आप खुद ही लिखो, किसी और के हाथ में मत दो। और इसके अलावा जो दूसरी टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि एसओपी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कभी अपने आइडियाज, कभी अपना विजन किसी भी बंदे के साथ, कोई दोस्त भी हो तो भी शेयर मत करो, क्योंकि ऐसे सीन होता है यार, अगर कोई आपका एसओपी कॉपी कर लेगा और उसने पहले अप्लाई कर लिया, उसका वीजा आ गया, तो उसके बाद आप अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि एसओपी सेम हो जाएगा, प्लेगरिज्म आ जाएगा, पकड़े जाओगे। तो एसओपी किसी के साथ शेयर मत करो यार, बिल्कुल भी। इसके अलावा यार जो अगली चीज है उसमें ये है कि कोई भी चीज आपको बोल्ड नहीं करनी। जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेट, वो स्कॉलरशिप आपको मिली है तो आप वो बोल्ड कर सकते हो। उसके अलावा आपको ज्यादा चीजें बोल्ड नहीं करनी है, सिर्फ हेडिंग्स जो है कि अकोमोडेशन, फ्यूचर प्लान्स, ये हेडिंग के अलावा आपको पूरे एसओपी में कुछ भी बोल्ड नहीं करना है, और स्कॉलरशिप के अलावा। उसके बाद यार एक जो अगली टिप है वो ये है कि एसओपी जितना हो सके उतना शॉर्ट रखना, मतलब ज्यादा लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं। मैं अभी बोला था कि वीजा अथॉरिटीज के पास इतना टाइम नहीं होता यार कि आपकी एक एक लाइन पढ़ेंगे। मैंने खुद ने 8 पेज का एसओपी बनाया, अब इतने सारे पॉइंट्स होते हैं यार, हम कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी 2-4-5 पेज तक बात चली जाती है। मेरा खुद का 7 पेज का एसओपी है, मैंने अपने एजेंट को ही भेजा पर उन्होंने बोला कि हम इन्हीं इतनी ही क्वांटिटी के, मतलब इतने लेंथ में वीजा अप्लाई कर रहे हैं और बच्चों के वीजा आ भी रहे हैं, तो मैंने उन पर भरोसा कर लिया, वरना मुझे भी लगता है कि मेरा एसओपी बहुत ज्यादा बड़ा। तो मैं तुम्हें तो यही रिकमेंड करूंगा कि एसओपी जितना हो सके उतना छोटा रखो। अभी बीच में तो ये भी गाइडलाइन आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि एक बंदे को, एक स्टूडेंट को अपना एसओपी सिर्फ 300 वर्ड का लिखना है, तो 300 वर्ड में सारी चीजें इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना शॉर्ट में सारी चीजें समझा सकते हो वीजा अथॉरिटी को, उतना समझा दो यूनिवर्सिटी को, शॉर्ट एंड सिंपल रखो एसओपी। और जो ये लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि एसओपी में कोई भी चीज कहीं से भी कॉपी मत करना, ना किसी का पुराना एसओपी कॉपी करना, या किसी कोई दोस्त भाई गया हो उसने अपना एसओपी दे दिया कि तू ये कॉपी कर दे सेम, तो कभी भी कॉपी मत करना। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं क्यों कॉपी नहीं कर सकते, एक तो प्लेगरिज्म चेक कर लेंगे वो कि आपका एसओपी जो है, अगर आपने कहीं गूगल से छापा है तो भी वो देख लेंगे कि आपका यहाँ से मैच कर रहा है, अगर आपने किसी और के में से छापा है। मैं अगर अपनी किसी अथॉरिटी में फाइल लगाता हूँ, वीजा अथॉरिटी में ऑस्ट्रेलिया में लगाता हूँ, तो हमारा जो एसओपी उनके कंप्यूटर में फीड हो जाएगा। तो इन फ्यूचर वो क्या करते हैं कि जब मेरा एसओपी जब जाएगा ना, तो पुराने जितने भी एसओपीज उनके पास आए हैं उन सबसे उन्हें चेक करेंगे। एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें सारे एसओपी वो होते हैं मेन, मतलब डले हुए होते हैं सारे, आपका एसओपी वो उसको टाइप मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें, वो क्लिक कर देंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा कि इसकी कौन कौन सी लाइन पुराने एसओपी से किस किस से मिल रही है। तो पिलग्रिम्स का ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह पे बहुत बड़ा लफड़ा होता है भाई, चीटिंग तो वहां पे जाके भी आप नहीं कर सकते कहीं से। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, ना किसी दोस्त से, ना गूगल से, ना कहीं से भी, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना एसओपी, तो 90% चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो भाई किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन आफ्टर योर वीजा आ जाएगा, वहां पे पढ़ने भी जाओगे ऑस्ट्रेलिया में, तो भी आप स्टडीज कर रहे हो वहां पे भी आप गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में रखना कि मुझे कहीं से कुछ भी देखना नहीं है, और किसी से कुछ शेयर भी नहीं करना कि मैं क्या लिख रहा हूँ अपने एसओपी में। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन यार मेरा हमेशा से शुरू से ही मोटिव है, मेरे जितने भी वीडियो मोस्टली लंबे होते हैं, जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कुछ भी रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग क्या करते हैं वीडियो छोटी बना देते हैं, लेकिन उसमें चीजें जो रहती है वो कम रह जाती है, मतलब ढंग से क्लियर नहीं हो पाती बच्चों को। तो मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें, अगर कोई सच में डेडिकेटेड है, जो कोई एसओपी लिखना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, उसके पास 20-30 मिनट का टाइम होता है, वो आराम से मेरी वीडियो पूरी देखेगा। और जिसको करना ही नहीं है, सब कुछ ऊपर से चाहिए, तो भाई वो तो कितने कोई भी वीडियोस देख सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो मेरी वीडियोस हमेशा इस वजह से लंबी हो जाती है थोड़ी, मैं बाकी आगे कोशिश करूंगा छोटी बनाने की। बट मेरे ख्याल से तो मैंने सारे जितने भी पॉइंट्स थे एसओपी को लेके इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिए। बाकी अगर कुछ रह गया हो, आपको लगता हो कि मुझे ये भी चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए थी, तो डू कमेंट, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई आपको ये भी इंक्लूड करना था, ताकि जो और स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें ये पता चल जाए कि ये चीज़ भी उसमें होनी चाहिए थी। बाकी भाई कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो, कमेंट करके मुझे बताओ। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे मुझे फॉलो करना है, यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको किसी चीज़ की पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना मैं आने वाले टाइम में सारी वीडियोज बनाते जाऊँगा, जो भी प्रोसेस होता है हर एक कंट्री का। और इसके अलावा यार, दिस इज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज करण परमार, साइनिंग ऑफ।